नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू, सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, उम्मीदवार ने कटाया एनआर। भागलपुर में सृजन के बाद खनन घोटाला आया सामने, प्रधान सचिव के निर्देश पर जांच के लिए पहुंची टीम। हबीबपुर थाने के ड्राइवर की हत्या में शामिल दो अपराधी गिरफ्तार, लूटे गए बाइक और मोबाइल बरामद, सिटी एसपी ने दी जानकारी। सड़क एवं पुल नहीं होने से नाराज बांका में कई गांव के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का किया ऐलान, कहा निर्माण नहीं होने तक नहीं करेंगे मतदान। और चुनाव आयोग के निर्देश पर शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज, भारी मात्रा में शराब बरामद। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। मतदान 28 अक्टूबर को होने वाला है और नतीजे 10 नवंबर को घोषित होंगे। पहले चरण के 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कैंडिडेट अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 12 अक्टूबर तक नामांकन वापस लेने की तारीख तय है। भागलपुर में भी पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। नामांकन का पहला दिन होने के कारण प्रत्याशियों ने नामांकन में कोई खास रुचि नहीं दिखाया। हालांकि सुबह 10 बजे से ही नामांकन काउंटर पर कर्मी तैनात थे। वहीं सुरक्षा की बात करें तो नामांकन काउंटर के इर्द गिर्द और परिसर के बाहर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से समाहरणालय परिसर जाने वाले कई सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, साथ ही दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है, ताकि निर्वाचन आयोग और कोविड-19 की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा सके। दोपहर में पुरुरल्स के पहचान चिन्ह पर सुल्तानगंज विधानसभा से किरण मिश्रा ने एनआर कटाया। इस दौरान पुरुरल्स प्रत्याशी किरण मिश्रा ने चुनाव में 2/3 बहुमत से जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चाचा और भतीजा दोनों बिहारियों को ठगने का काम कर रहे हैं। किरण मिश्रा ने कहा कि लालू और नीतीश सरकार में बिहारियों पर हमेशा संकट के बादल मंडराते रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सुल्तानगंज से चुनाव जीतने के बाद विधायक के रूप में रोजगार को प्राथमिकता देने की बात कही। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर सह DCLR गिरिजेश कुमार ने कहा कि सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी 8 अक्टूबर सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं RO ने बताया कि नॉमिनेशन को लेकर सभी तरह की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। आए थे सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से, नॉमिनेशन दे रहे हैं पार्टी से, और इस बार पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। हाँ, इसके पहले हम निर्दलीय उम्मीदवार पिछले बार थे। जैसा कि आप सबको पता है, 157 सुल्तानगंज विधानसभा में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है, और नोटिफिकेशन के पश्चात हम लोग विधिवत जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से आरंभ होगी। 11 बजे से 3 बजे तक, 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक नॉमिनेशन होगा। भागलपुर में भ्रष्टाचार चरम पर है। सृजन घोटाले का मामला अभी थमा नहीं है कि खनन विभाग में 9.5 करोड़ रुपए के स्कैम की बात सामने आ गई। जिले में सृजन के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा घोटाला है। बता दें कि खनन विभाग द्वारा बिना चालान के ही CTS इंडस्ट्रीज की ओर से पिछले 5 वर्षों में 270 रैक पत्थर पीरपैंती रेलवे स्टेशन से बाहर भेज दिया गया। इस अवैध कारोबार में 9.45 करोड़ रुपए का घोटाला होने की आशंका जताई जा रही है। घोटाला में पूर्व खनन पदाधिकारी प्रणब कुमार प्रभाकर, विभाग के क्लर्क कुणाल किशोर और प्रांजल तिवारी पर घोटाला का आरोप है। हालांकि पदाधिकारी समेत दोनों क्लर्क का तबादला हो चुका है। मामले का खुलासा बुद्धू चक्के सुशील राय ने RTI के माध्यम से की, और इसकी शिकायत पटना सचिवालय में सीधे खनन विभाग के प्रधान सचिव से की, जिसके बाद प्रधान सचिव के आदेश पर डिप्टी डायरेक्टर की 2 सदस्यीय टीम भागलपुर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। वहीं शिकायतकर्ता को धमकी मिलनी शुरू हो गई, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए कोर्ट में सहना दर्ज कराया है। इधर खनन विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर डिप्टी डायरेक्टर मनोज अम्बस्ट और सुरेंद्र सिन्हा द्वारा मामले की जांच की जा रही है। गुरुवार को जांच के लिए पहुंची 2 सदस्यीय टीम ने कागजात खंगालने के साथ कर्मचारियों से पूछताछ एवं स्पॉट वेरिफिकेशन किया। इसके बाद 2 सदस्यीय टीम पीरपैंती पहुंची। डिप्टी डायरेक्टर मनोज अम्बस्ट ने बताया कि साक्ष्य के आधार पर घोटाले की जांच जारी है, पूरी पड़ताल होने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। पीरपैंती में घोटाला हुआ है 9.90 करोड़ का, उसी मामले में मैं सचिवालय में शिकायत किया हूँ।
रैक लोडिंग में घोटाला हुआ है, पीरपैती में रैक लोडिंग में, पत्थर लोडिंग में 245 रैक लोड हुआ है और उसी में चलान का घोटाला हुआ है। सरकार की खनन पूर्ति चोरी की गई है सीटीएस कंपनी के द्वारा। भागलपुर कजरेली थाना के निजी ड्राइवर मोहम्मद शेख अफसार की हत्या मामले में पुलिस ने दो अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने लूटे गए मोटरसाइकिल और मृतक का मोबाइल बरामद किया है। गुरुवार को सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने ततारपुर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए अपराधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि हत्या में शामिल एक अपराधी वापी पासवान को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद पकड़े गए अपराधी की निशानदेही पर फरार अभियुक्तों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने पंखा टोली निवासी मोहम्मद शफी अहमद और डाटवाट निवासी विकास पासवान को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ने बताया कि अफसार हत्याकांड में पकड़े गए अपराधियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है, साथ ही हत्याकांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जानकारी है कि दिनांक 10/9/20 को अभीपुर थाना का निजी चालक था जिसकी हत्या कर दी गई और उस कड़ी में सीनियर साहब एक टीम गठन किया गया था जिसमें कि ASP CT, ASP प्रोफेशनल, थाना प्रभारी हबीपुर, थाना प्रभारी कजरेली, थाना प्रभारी मधुसूदन और सब इंस्पेक्टर शंभू का टीम बनाया गया था और टीम के द्वारा मतलब त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्व में गिरफ्तारी की गई थी। उससे काफ़ी लीड्स मिला था। उसके बाद जो मोबाइल लूटा गया था मृतक का, उसमें फिर वो सिम का प्रयोग हुआ और उसकी तकनीकी अनुसंधान किया, उसमें फिर दो की गिरफ्तारी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो गया है, साथ ही जनता भी अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर गई है। एक ओर जहां चुनाव आयोग एवं सरकार की ओर से मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं कई जगहों पर जनता ने वोट बहिष्कार का निर्णय ले लिया है। बता दें कि बांका के कटोरिया, कड़वा मारनी, लीलावरण, धोबनी, तरगच्छा, नीमावरण समेत कई गांव के ग्रामीणों ने उच्च विद्यालय लीलावरण परिसर में बैठक कर सड़क एवं पुल निर्माण नहीं किए जाने को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में भी वोट बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, लेकिन DM और VDO के द्वारा आश्वासन देने के बाद निर्णय वापस लिया गया। साथ ही कहा कि सड़क एवं पुल निर्माण होने तक वोट बहिष्कार जारी रहेगा। सरकार द्वारा विकास का दावा तो खूब किया जा रहा है, लेकिन बिना सड़क और पुल के ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं, वृद्धों एवं मरीजों को स्वास्थ्य समस्या होने पर सड़क और पुल के अभाव में अस्पताल जाने में काफी परेशानी होती है। बहरहाल मतदाताओं ने वोट बहिष्कार का बैनर लगाकर विरोध शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों से वोट बहिष्कार करने की संभावना जताई जा रही है। हमारे सभी गांवों का एक बैठक हुआ जिसमें ये निर्णय लिया गया, जो हम लोगों को जो दिक्कत है पुल सड़क का, ये तीनों धोबनी, तरगच्छा और लीलावरण कड़वा मारनी, ये जब तक पुल सड़क नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करते रहेंगे। और ग्रामीणों का कहना है कि वायदे तो देते हैं लेकिन काम होता नहीं है और इसमें हम लोग बहुत ही संकट का सामना करते हुए अब इस पर उतारू हो गए हैं कि हम लोग बूथ नंबर 58 स्थित धोगने का वोट को बहिष्कार करते। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भागलपुर पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसी को लेकर ततारपुर थाना क्षेत्र के पर्वती इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को CTSP सुशांत कुमार सरोज ने ततारपुर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बरामद शराब और पकड़े गए तस्कर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। CTSP ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शराब के कारोबार करने वाले लोगों को चिन्हित कर छापेमारी की गई और तस्कर को घर से 273 बोतल विदेशी शराब के साथ बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने मौके से तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। देखिए, ये गुप्त सूचना मिली थी सीनियर SP साहब को कि ततारपुर थाना अंतर्गत ननवा टोली में सुनील शाह के पास बड़ा खेप शराब का आया। इस सूचना पर सीनियर साहब ने तुरंत एक टीम गठन किया, जिस टीम में ASP CT, ASP प्रोफेशनल, थाना प्रभारी ततारपुर, थाना प्रभारी यूनिवर्सिटी, ये टीम गठन किया गया और टीम को छापामारी किया। छापामारी क्रम में अभी आपके सामने दिखाया जा रहा है, मैं डिटेल आपको देता हूँ कि इम्पीरियल जो ब्लू है
750 ml का 203 बोतल मिला, यानी कि 152.50 लीटर हुआ, 2.5 सेंटीमीटर हुआ। दूसरा है इम्पीरियल ग्लू, वो 375 ml का 44 बोतल है। तीसरा आपका है रॉयल चैलेंजर्स है, 750 ml का 24 बोतल मिला है, यानी कि कुल 186.75 बरामदगी हुई है। वहीं नवगछिया SP सपनाजी मेश्राम के निर्देश पर शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तेतरी गांव में छापेमारी कर शराब तस्कर विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर के पास से पुलिस ने 682 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। शराब की कुल मात्रा बरामदगी हुई है टोटल 76 कार्टून, और उसमें तीन ब्रांड का शराब है। एक है रॉयल स्टेग है, एक इंपीरियल ब्लू है और एक मैक डबल बोलते हैं, वो तीनों का भिन्न भिन्न संख्या है। सब मिला करके 76 कार्टून है, एक दो बोतल जो है उसमें कम है। तो ये है, एक तेतरी में एक चिमनी भट्टा है, चिमनी भट्टा से ही पकड़ा गया है। चिमनी ईंटा पर जो ईंट जो बना हुआ है उस पर हम लोग देखे थे S&A करके लिखा हुआ है, तो वहीं से पकड़ा गया है। भागलपुर के दीपनगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के नगर विधायक अजीत शर्मा सहित पार्टी के संगठन से जुड़े कई नेताओं ने भाग लिया और कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुझाव मांगे। इस दौरान मंच पर कई नेता और कार्यकर्ताओं ने COVID-19 की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। हालांकि विधायक अजीत शर्मा ने मास्क लगा रखा था, लेकिन उनके आसपास मंच पर बैठे कई नेता एवं कार्यकर्ता बिना मास्क पहने ही नजर आए। मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद, पार्षद संजय सिन्हा, मुजफ्फर अहमद, मिंटू कुरैशी समेत पार्टी से जुड़े कई लोग मौजूद थे। चुनाव कैसे लड़ा जाए ताकि अधिक से अधिक वोट से जीतिए, क्योंकि इस बार लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और भागलपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। बहुत सारी योजनाएं नहीं बनी हैं, बहुत सारे काम हम नहीं कर पाए चूँकि हम विपक्ष में थे, जैसे कि भोलानाथ पुल नहीं बन पाया, सारा चीज़ होके योजना विभाग में पड़ा है, काम नहीं हो पाया। तो आज कार्यकर्ता हमारे सभी भाई यहाँ आए हैं, आज भाइयों की बैठक है, परसों महिला कार्यकर्ता जो हमारी है उनकी बैठक होगी, उसमें मैं आऊँगा और ये सब लोग अपना सजेशन देंगे, चूँकि लड़ना चुनाव उन्हीं को है। हम तो जनता के बीच हाथ जोड़ के जाके मिलते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, लेकिन असली मेरी ताकत, मेरे शरीर की रीढ़ जो कहते हैं जिसमें खड़ा है, वो हमारे वर्कर्स यहाँ बैठे वो है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक।
जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के भीमकित्ता गांव में गुरुवार को बिजली का तार हटाने को लेकर दो सगे भाई के बीच विवाद हो गया। इस दौरान गुस्से से लाल छोटे भाई ने बड़े भाई पर बम से हमला कर दिया। बमबाजी में बड़े भाई पवन यादव एवं पड़ोस की रेखा देवी जख्मी हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर ओपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल नाथनगर में भर्ती कराया। वहीं मामले को लेकर घायल पवन यादव ने बताया कि छोटे भाई वीरन ने बीच आंगन से बिजली के तार का कनेक्शन ले रखा था, जिससे आने जाने में तार सर में छू जाता था, जिसे कई बार हटाने के लिए कहा गया था, पर छोटे भाई ने इसे नहीं हटाया, जिसको काटने पर छोटे भाई की पत्नी गाली गलौज करने लगी और फोन करके छोटे भाई को वहां बुला लिया। वीरन ने आने के साथ ही जान मारने के नियत से बम पटक दिया। मामले में मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज मिथिलेश कुमार ने बताया कि पीड़ित के द्वारा अभी तक लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमको हम कहे उसको कि नहीं जगह से तार हटाओ, हम लोग को सर में लगता है, उसने मुँह गाली गलौज करने लगा तो हमने तार को उस जगह से काट करके ही इधर हटा दिए। फोन कर करके बुला लिया वीरन यादव को। वीरन यादव को जो फोन करके बुला लिया तो गाली गलौज करने लगा। उधर से जो वो आया तो दोनों हाथ में बम था। दोनों हाथ में बम था तो वो फेंकने के लिए जो चाहता था नहीं तो हम लोग भागे। बम था बस वो जो फेंका तो हम गली घुसे, हमको ये छिटकार लग गया। अब उसका पत्नी बोला कि जैसे ही तार काटा है इसे इसको पहले मारिए दो। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी राजनीति विज्ञान विभाग में गुरुवार को छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पैट 2019 की मेघा सूची प्रकाशन में पीजी राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र राय ने आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया है। हंगामा कर रहे छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि विभाग अध्यक्ष की मनमानी से आरक्षित वर्ग के छात्र काफी परेशान हैं। इसके पूर्व भी दिलीप कुमार के नेतृत्व में छात्रों ने पीजी विभाग में जमकर प्रदर्शन किया और मेघा सूची में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी TMBU के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह को दे दी गई है। देखिए, पेट 2019 का एग्जाम विश्वविद्यालय द्वारा कंडक्ट कराया गया, ठीक है। 2000 पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है और 21 तारीख को जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट द्वारा रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, उसमें सरासर आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। जबकि नियम है, अगर आरक्षित वर्ग के छात्र को अगर हाईएस्ट नंबर है तो उसको जनरल सामान्य श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन जो विभागाध्यक्ष है कहीं न कहीं जाति से ग्रसित है, किसी विशेष पदाधिकारी को जो है तजव्वु देने के लिए ऐसा किया गया है, इसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया। और जो आरक्षित वर्ग के छात्र हैं जिनको ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है उनको आरक्षण कोटा में रखा गया है, जो समान श्रेणी के छात्र को नंबर कम है उसको समान श्रेणी में रखा गया है। जब हम लोग रिजल्ट प्रकाशन के बाद देखें तो सरासर आरक्षण का घोर उल्लंघन किया गया। भागलपुर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। गुरुवार को DRDA परिसर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ निकाला गया। वहीं उपविकास आयुक्त सुनील कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इधर रैली को लेकर सुनील कुमार ने बताया कि कोविड 19 को देखते हुए आगामी चुनाव को लेकर मतदाताओं के बीच जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। साथ ही कहा कि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्य योजना के अनुसार डीआरडीए परिसर से नगर भवन तक जागरूकता रैली आयोजित की गई। वहीं डीडीसी ने कोविड 19 को देखते हुए मतदाताओं से सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मतदान करने की अपील की। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता सिंह एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। भागलपुर डीआरडीए सभागार में गुरुवार को चुनाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डायरेक्टर डीआरडीए एवं जिला प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार पांडे की मौजूदगी में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें चुनाव को लेकर कर्मियों को ट्रेनिंग देने वाले सभी मास्टर ट्रेनर को चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। डायरेक्टर डीआरडीए प्रमोद कुमार पांडे ने कहा कि सभी मास्टर ट्रेनरों को पूर्व में ट्रेनिंग दी जा चुकी है, लेकिन कोविड को देखते हुए चुनाव के दौरान कई बदलाव किए गए हैं। चुनाव के दौरान कोई व्यवधान न हो, इसी को लेकर सभी को फिर से ट्रेनिंग दी गई है। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधान पार्षद डॉक्टर एनके यादव को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। वहीं गुरुवार को एनडीए की जीत को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक एनके यादव के आवास पर जिलाध्यक्ष रोहित पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस बार भी एमएलसी डॉक्टर एनके यादव को ही जनता विजय बनाएगी। वहीं एमएलसी डॉक्टर एनके यादव ने बताया कि वोटर क्षेत्र में किए गए काम पर विश्वास करते हैं, ना कि प्रत्याशी पर, और मुझे उम्मीद है कि हमारा कार्य ही हमारी जीत का कारण बनेगा। बैठक में भागलपुर नगर निगम की पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव ने कहा कि बिहार के सबसे बड़े स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 22 अक्टूबर को चुनाव होना है और इसको लेकर हमारे नेता और कार्यकर्ता पूरे दमखम से तैयार हैं। मौके पर भाजपा से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व सीसीडीसी डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र और पेंशन शाखा के सहायक विनोद कुमार मेहतान के आकस्मिक निधन पर गुरुवार को विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और कर्मियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इसके पूर्व रजिस्ट्रार कर्नल एके सिंह ने शोक संदेश पढ़ा। वहीं डीएसडब्ल्यू डॉक्टर राम प्रवेश सिंह ने विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व सीसीडीसी डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र के आवास पर जाकर उनकी पत्नी व परिजनों को शोक संदेश सौंपा और उन्हें संतावना दी। पूर्व सीसीडीसी डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र के पुत्र मुरारी ने बताया कि पिताजी जीबी कॉलेज नवगछिया में प्राचार्य भी रहे हैं। पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत अनुमंडल अस्पताल में सुरक्षा को लेकर एजेंसी के द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए सुरक्षा गार्ड ने बुधवार को नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर अस्पताल प्रशासन द्वारा नौकरी से हटाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। गार्डो ने बताया कि अस्पताल उपाधीक्षक एवं प्रबंधक के द्वारा सभी सुरक्षा गार्ड को बेवजह नौकरी से हटाया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि इससे पूर्व भी फर्जी लेटर के माध्यम से उन्हें हटाए जाने का प्रयास किया गया था। साथ ही बताया कि अस्पताल कर्मी विभास सिंह के पुत्र चंदन कुमार द्वारा अस्पताल में मरीज को डिस्चार्ज करने एवं अन्य तरीके से मरीजों से पैसे वसूले जाते हैं, जिसका विरोध करने पर हमारे साथ गाली गलौज किया जाता है। साथ ही हम लोगों को यहाँ से हटाने की धमकी दी जाती है। मामले को लेकर नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने कहा कि सुरक्षा गार्ड के द्वारा आवेदन दिया गया है। इस संबंध में सभी आरोपों की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अस्पताल में सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षा गार्ड को जाँच की कार्रवाई पूरी होने तक हटाए जाने की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। मामला ये है कि हम लोगों को बिना गलती का यहाँ से हटाया जा रहा है, इसलिए कि पिछले बार एडीएम साहब आए थे और इन लोगों को कुछ गलत चीज देखकर इन लोगों को हिदायत दिया था कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी ये लोग जो है ना 2 दिन के बाद से काम करना शुरू कर दिए और इन लोगों को काम करने में दिक्कत हो रहा है। जो यहाँ पे अवैध काम कर रहा है, पैसा वसूली या जो भी चीज़ है, ये लोग करने इन लोगों को बहुत दिक्कत होता है हम लोगों को। और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू, सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, उम्मीदवार ने कटाया एनआर। भागलपुर में सृजन के बाद खनन घोटाला आया सामने, प्रधान सचिव के निर्देश पर जांच के लिए पहुंची टीम। हबीबपुर थाने के ड्राइवर की हत्या में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार, लूटे गए बाइक और मोबाइल बरामद, सिटी एसपी ने दी जानकारी। सड़क एवं पुल नहीं होने से नाराज बांका में कई गांव के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का किया ऐलान, कहा निर्माण नहीं होने तक नहीं करेंगे मतदान।
और चुनाव आयोग के निर्देश पर शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज, भारी मात्रा में शराब बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।